मेरा नाम मयंक है, मैं यहाँ पे एज ए डायलिसिस टेक्नीशियन काम कर रहा हूँ लायंस किडनी डायलिसिस सेंटर। मैं इस फील्ड में 2011 से हूँ और नाउ यहाँ पे मैं लास्ट 2017 से वर्क कर रहा हूँ। हम यहाँ पे हीमोडायलिसिस कर रहे हैं पेशेंट का, और हीमोडायलिसिस वो ट्रीटमेंट है जो पेशेंट की किडनी फेल हो जाती है तो हम हीमोडायलिसिस करते हैं। उसके पास दो ऑप्शन रहता है जनरली, कि या तो किडनी डायलिसिस करवाएगा या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराएगा। तो यहाँ पे उसका फर्स्ट ऑप्शन जो रहता है किडनी डायलिसिस, उसमें दो प्रकार के पेशेंट रहते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। हम यहाँ पे क्रॉनिक पेशेंट और एक्यूट दोनों का डायलिसिस करते हैं। और किडनी डायलिसिस एक्चुअली 4 घंटे का प्रोसेस रहता है, 4 घंटे में पूरा बॉडी का ब्लड प्रोसीजर करते हैं। जैसे आर्टिफिशियल किडनी जो थी मशीन में जो लगी हुई थी वहाँ से ब्लड का पूरा प्योरिफिकेशन करते हैं और 4 घंटे का प्रोसेस रहता है। यहाँ पे हम लायंस क्लब में, मैं 2000 बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लायंस किडनी डायलिसिस सेंटर का। यहाँ पे जो फ्रेजनेस की जो मशीन है वो जर्मन से मशीन मंगवाई गई है, और हमारा जो बेसिक जो आरो प्लांट रहता है जो जिसे हम पानी मशीन में यूज़ करते हैं, तो वो आरो प्लांट भी जर्मन का है। और यहाँ पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है लायंस किडनी डायलिसिस।